वेलकम डियर स्टूडेंट स्टूडेंट आपा क्लास 8 दा वेलकम लाइफ दा चैप्टर पढ़न जा रहे हैं, जिसका नाम है बॉडी हाइजीन। बॉडी हाइजीन मीन्स शरीर दी सफाई। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इट। अपने शरीर का ध्यान रखो क्योंकि यही जगह है जिथे तुसी रहिंदे हो। जिम रोन ने लिखा है कि अपने शरीर का ध्यान रखो जिदे विच तुसी रहिंदे हो। सो आपां नूं शरीर की सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए है। फर्स्ट टेबल है, लैट्स चैक हाउ अवेयर वी आर अबाउट आर बॉडी हाइजीन। असी प्यारे बच्चों अज पढ़ना है कि किन्ना तुसी अपनी सेहत अते शरीर की सफाई लई अवेयर हो, मतलब जागरूक हो। फर्स्ट है बॉडी हाइजीन मीन्स शरीर की सफाई। ऑलवेज हमेशा तुसी वो काम करते हो, समटाइम्स कदे कदे करते हो, नेवर जा कदे भी नहीं करते। ए बॉक्स दे विच नीचे तीन पॉइंट्स ते है, ऑलवेज नू आपा 3 मार्क्स देने हैं, समटाइम्स नू आपा 2 मार्क्स देने हैं, ते नेवर नू आपा 1 मार्क्स देने हैं। जिस तरह तुसी तुहाडे कोल है, आई कैरी ए हैंडकरचीफ विद मी। कई बार बच्चे जेड़े है हमेशा अपना जड़ा कह लो हैंकी है हमेशा कोल नहीं रखते, कदी कदी रखते ने, ता उत्थे अपने आप ते तुसी टिक लगा लगे समटाइम। कई बार कई बिल्कुल ही नहीं रखते तो नेवर ते क्लिक कर लेंगे। आई वॉश माई हैंड बिफोर एंड आफ्टर ए मील विद सोप। कई बच्चे हमेशा खाना खाने तो पहला और बाद विच हाथ धोते ने, तो वो अपने आप न ऑलवेज टिक लगा के 3 जेडे मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हैं। आई वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोज, हमेशा जेडे है वो साफ कपड़े और सुखे कपड़े पाते ने। आई कवर माई माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जो आप निच मारते हाँ ज खांसी करते हाँ तो कई बार आप हैंकी जा अपना हाथ नहीं रखते, कई बच्चे कभी भी नहीं रखते तो उत्थे नेवर ते क्लिक लगा देंगे, टिक लगा देंगे। सो इस तरह तुसी अपने आप नूं कवर करना है, सारे टेबल्स दे विच देखना है कि तुसी केड़ा काम बच्चो नहीं करते। अगर तुहाडे जिहड़े मार्क्स है जिद्दां हुण 3 मार्क्स सीगे फर्स्ट नूं, तां टोटल 27 मार्क्स बनते ने। अगर तुहाडे 27 तो घट मार्क्स बनते ने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਕੱਟ ਮਾਈ ਨੇਲਸ ਵੀਕਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਬਰੱਸ਼ ਮਾਈ ਟੀਥ ਟਵਾਈਸ ਅ ਡੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਅਵੋਇਡ ਈਟਿੰਗ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਔਰ ਅਨਕਵਰਡ ਫੂਡ, ਮੈਂ अनहाइजीनिक जिहड़ा है खाना अनटक्या खाना जां बाहरला खाना जिहड़ा रोड से मिलता है वो अवॉइड करता हाँ। आई टेक अ बाथ एवरी डे, मैं रोज़ नहाना हाँ। आई कीप माई हेयर क्लीन, मैं अपने वाल साफ रखता हाँ। तो टोटल स्कोर तुसी देखना, अगर तुहानू लगता है तुसी इत्थे अपने आप नू मार करके चैक करना है, जिदे विच तुहानू घट लगता है वो तुसी अपना जड़ा है इंप्रूव कर सकते हो। जेडे बच्चे नेल नहीं कटते वीकली वो लिख सकते ने, आई कट माई नेल्स वीकली, आई अवॉयड ईटिंग अनकवर्ड फूड, मैं अनटक्या जड़ा खाना अवॉयड करांगा क्योंकि बच्चे बहुत जड़े है बाहर खाना खाते ने। आई कैरी हैंडकरचीफ विद मी, मैं हमेशा अपने नाल एक हैंकी रखांगा और जो मैं खांसी जां निच स्नीजिंग करता हाँ तो मैं अपने मुँह जड़ा है वो कवर करांगा। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं 2 वार दिन दे विच अपने दंदा ते ब्रश करांगा। लेट्स नो मोर डियर स्टूडेंट, गुड हेल्थ कैन बी ऑब्टेन बाई कीपिंग आर बॉडी हाइजीनिक। जिहड़े बच्चों चंगी सेहत है वो ताही रह सकती है अगर असी अपने शरीर की सफाई करांगे। इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट आरसेल एंड अदर मैंबर्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इलनेस एंड मैनी अदर डिजीज़। इस तरह असी अपने समाज नूं ते अपने आप नूं
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਟੇਕਿੰਗ ਏ ਬਾਥ ਡੇਲੀ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੱਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਟੀਥ, ਬ੍ਰੱਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਸੋਪ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਬਾਥ ਟੋਇਲਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਪ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਸ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਾਲ ਇਲ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨ ਕਲੋਥ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਵਲ ਔਰ ਕੌਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਵਲ, ਵੱਖਰਾ ਤੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਰਿੰਗ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਨੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਕਫਿੰਗ ਔਰ ਸਨੀਜਿੰਗ, ਨਿੱਛ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਊਥ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਪਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਮਸ ਹਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਪਲੈਟਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਊਟਫਿਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸਨਲਾਈਟ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੀਅਰ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਮਸਟ ਅਵੋਇਡ ਈਟਿੰਗ ਅਨਕਵਰਡ ਫੂਡ ਸੋਲਡ ਔਨ ਰੋਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਢੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਰੱਗਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੈਟੋ ਮਤਲਬ ਆਲੂ, ਇੱਕ ਪਟੈਟੋ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਟੈਟੋ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਪਟੈਟੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟੈਟੋ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟੈਟੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਟੈਟੋ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਟੈਟੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਟੈਟੋ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਡਰਟੀ, ਗੰਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਕੈਨ ਵੀ ਕੁੱਕ ਇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
कुक कर लेंगे बिना धोते। वाई, क्यों? नो, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ जर्म्स, क्योंकि सब बच्चों के हाथ के विच कोई ना कोई तरह के जर्म्स होंगे ने, तो वो सारे जड़े हैं आलू दे लग जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, जो भी आप फ्रूट्स ते वेजिटेबल्स मार्केट्स तो लेके आने हैं, तो उसके विच बहुत सारे हाथ लगे होंगे हैं, तो बहुत सारे जर्म्स भी उधर ते लगे होंगे ने। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश बिफोर ईटिंग। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल नू अच्छी तरह के नाल जरूर पानी नाल साफ करना चाहिए है। लेट्स मेक आर डेली शेड्यूल टू कीप आर सेल्फ हेल्दी। आओ अपने आप नू तंदुरुस्त बनाने दे ले एक आपा डेली का शेड्यूल बनाइए। जिस तरह कह लो टाइम टेबल बना लिए, किस तरह? आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग वी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी फॉर द होल डे। जिद्दां ही असीं सवेरे उठिए तां कुछ असीं इहो जिहे काम करिए अपनी बॉडी नूं साफ रखिए जिहदे नाल सारा दिन असीं हेल्दी रहिए। और इहदे वास्ते बच्चे जी इक वर्ड बॉक्स दित्ता है, तुसीं इहनां दी हेल्प दे नाल इहनां दे आंसर लिख सकते हो। सवेरे उठदिआं सार आफ्टर गैटिंग अप अपनी बॉडी नूं किस तरह असीं साफ रख सकते हाँ, आपां सब तो पहला उठ के की करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, आपां ब्रश क्यों करते हैं? ताकि टूथ और डिके यानी कि अपने दंदा नूं खराब होने तो असीं बचा सकीए, उहदा तो स्मैल ना आ सके। आई विल क्लीन माई नोज, अपने नक नूं भी जरूर साफ रखो, साफ करांगे। क्यों? क्योंकि डर्ट जिहड़ी है साडी नक दे विच डेली जाती है, सो नक नूं भी साफ करना बहुत जरूरी है। आई विल गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाना बच्चे बहुत जरूरी है। इहदे नाल की हुंदा, जिहड़े वेस्ट मटीरियल है साडी बॉडी दे विचों रिमूव हुंदे ने। टेक बाथ डेली विद दी हेल्प ऑफ सोप, सो साबण दे नाल जरूर नहाना है। पानी पा के ही नहीं आ जाना, क्योंकि जदों असीं साबण लगाते हैं तां साडी बॉडी दे विचों जिहड़े ने जर्म्स है वह साफ हुंदे ने, ते अपने आप नूं असीं फ्रेश वधिया महसूस करते हाँ। आई विल वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोज, साफ सुथरे कपड़े पावांगा, क्योंकि डर्टी क्लोज जिहड़े हुंदे ने उहनां दे विच की हुंदे ने, जर्म्स हुंदे ने, ते उह की कर सकदे ने, इनफेक्शन कर सकदे ने। आई विल कॉम माई हेयर, मैं अपने बालों से कंघी करांगा, सो दैट आई डोंट लुक मैसी, ताकि मैं गंदा ना लिखा। नेक्स्ट है जी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम के बीच मैं अपनी बॉडी नूं किस तरह हेल्दी रख सकता हाँ, वाई आई विल डू इट, मैं इस तरह क्यों करांगा। इहदा भी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम करन तो पहला तुहानूं की करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए ने। क्यों हैंड आपां वॉश करते हैं? इस तरह जिहड़े साडे जिहड़े हैंड्स है वो की हो जाते हैं जर्म्स फ्री। और आपां खाना किहदे विच पाउणा है? क्लीन यूटेंसिल्स दे विच, साफ सुथरे बर्तनां दे विच। क्यों? गंदे जिहड़े यूटेंसिल्स ने जिहड़े आ वो उहनां विच जर्म्स होणगे, वो साडे लई हाइजीनिक नहीं होणगे। सो आपां किहदे च खाणा है? क्लीन यूटेंसिल्स दे विच। क्यों? क्लीन यूटेंसिल्स की ने हाइजीनिक। आफ्टर ईटिंग रिंस माउथ प्रॉपरली, खाना खाण तों बाद अच्छी तरह माउथ नूं पानी कुरली करनी है पानी दे नाल, ताकि कुछ भी अगर खाना जिहड़ा फसिया है वो बाहर निकल आए, उहदे नाल सानूं टूथ डिके और कैविटीज जिहड़ियां ने उहनां तों बचा हो जांदा है। रिमूव फूड फ्रॉम द टीथ विद फ्लोस, कई बार दंदा के विचकार जिहड़ा है खाना फस जाता है, तो वो आपां नूं मार्केट चो एक फ्लोस मिलता है, उहदी हैल्प दे नाल आपां दंद दे विचों खाना बार कर सकते हैं, बजाय असी सुई मारीे जिहदे नाल ज़्यादा नुकसान हुंदा है। फ्लोस की हैल्प के नाल ही असी अपना खाना दंदा चो बाहर कढ़ना है। दिस विल प्रिवेंट गम प्रॉब्लम, ये तुहाडियां जिहड़ियां मसूड़े दियां प्रॉब्लम है नहीं होणगियां। वॉश हैंड्स आफ्टर द मील, खाना खाण तो बाद भी हाथ धोने जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी है आपां सब्जी खाने घ्यो वगैरह लगा हुंदा है, जिहदे नाल साडे ग्रीजी हाथ जिहड़े है वो ना होण,
और स्टिकी जेड़ा है, अगर कुछ से मिठा खाता है तो चिपचिपा सानू महसूस ना हुए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल तो फिर की करोगे, चेंज द यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म में चेंज करते हैं? क्योंकि पसीना आया होंगे, जो पसीना आया होंगे तो बहुत सारे वो टॉक्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट है वॉश द हैंड एंड फेस विद सोप, अपने हाथ और मुंह नु साबुन दे नाल चंगी तरह धोवो, क्योंकि डर्ट लगी हुंदी है, मिट्टी लगी हुंदी है, तां उसी उसनु साफ करना है। टू ड्राई माई हैंड्स विद टॉवल, ते अपने हथां नु चंगी तरह टॉवल दे नाल सुकाना है। क्यों सुकाना चाहिदा है? क्योंकि जेडे गिले हाथ रहनगे तां उहदे विच जेडे जर्म्स है वो ज्यादा इजली फैलते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम प्ले, जो तो तुसी खेड के आते हो, फिर तुसी अपने हाथ और मुंह फेस नू जेड़ा हैंड और फेस नू वॉश करो ताकि जेड़े डर्ट है रिमूव हो सके। क्लोथ चेंज कर लो जा बाथ ले लो, नहा लो, क्योंकि पसीना आया हुंदा है खेड के। आई कीप माई स्पोर्ट शूज असाइड, ते जदों अपने खेल के बाहरों आओ तो अपने शूज जेड़े ने स्पोर्ट शूज उन्हों साइड ते रख दो, क्योंकि उन्हां विच की हुंदी है मिट्टी और गंद जेड़ा है वो लग्या हुंदा है। नेक्स्ट है बिफोर गोइंग टू बेड, सोन तो पहला सानू अपने टीथ नू जरूर ब्रश करना है ताकि जेड़िया साडे जर्म्स है जेड़े है दंदा विच ना रह सकन, ते कैविटीज जेड़ियां वो भी ना हो। सो इहदे विच अगर बच्चों कोई गुड हैबिट जेड़ी है रह गई है तां तुहानू लगदा है कि कुछ रह गया, तो तुसी इहदे विच होर भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है जी थिंक एंड राइट, सोचो अते लिखो। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस यू गॉट डॉट इन योर सेल्फ, इस लैसन तो बाद तुहानू अपने दे विच की तब्दीलियां आईयां उहदे बारे लिखो। क्योंकि कई बच्चे नेल्स नहीं कट करते वीकली, सो अपने कट माई नेल्स वीकली, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द मील, ऑलवेज ईट इन क्लीन यूटेंसिल, ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। सो जो भी तुहानू इस तो इलावा लगता है कुछ होर गल्लां तां तुसी वो भी लिख सकते हो। लेट्स राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, अपने शरीर नू साफ रखने दे बच्चे की फायदे ने वो तुसी लिखने ने। अगर आपां शरीर नू साफ रखांगे तां साडी जिहड़ी है हेल्थ भी है वो अच्छी होएगी, सानू डिजीजेस भी नहीं होणगियां और सानू कोई एलर्जी जां इन्फेक्शन होण दा भी डर नहीं रहेगा। Paste the picture depicting the good habit you inculcated to keep your body clean in the space provided. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨੇਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।